आगे बढ़ते हैं। देश में बात विदेशों से काला धन वापस लाने की हो रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी उल्टी गंगा बहाने में लगे हुए हैं। कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अजीब बयान दिया है। बिहार के चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में मांझी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर व्यवसायी कालाबाजारी करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। मांझी के मुताबिक 2-4 हजार करोड़ की कालाबाजारी करने वालों पर ही सख्ती की जरूरत है। यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000। लेकिन जो 4000 करोड़ का कालाबाजारी करता है, यहाँ तो वहां जाना चाहिए हमारा। इसलिए आप कालाबाजारी करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपका बाल बच्चा हम नहीं समझते हैं कि कोई विदेश में पढ़ता होगा या कोई बात करता होगा। आप बहुत करते होंगे तो पटना ऐसा छोटे शहरों में कोई प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाते होंगे। अगर उसके लिए आप करते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं।